जाके बेटा मेडिसिन नहीं। हे गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत टाइम बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ और आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग सा होने वाला है। पूरा ब्लॉग को देखना, आप लोगों को मज़ा आने वाला है। सुबह सुबह नारका का कुछ पार्सल मुझे रिसीव हुआ था तो मैंने अनबॉक्सिंग किया। देखो बाबू को मस्ती, ऐसा जब कोई बॉक्स रहता ना वो बहुत ही मतलब खेलता है, वो ऐसा लगता है कुछ छुप गया, हम लोग उसको देख नहीं पा रहे। इस रूम को मैं थोड़ा सा मेक ओवर करूँगी और बहुत ही अच्छे से करूँगी आज। और मेरे रूम पर सोचा कि मेक ओवर करने से पहले अपने बेडरूम में थोड़ा बहुत चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। मेरा दो दिन ऑफ रहता है तो दो दिन में मैं घर में ये सारी चीज़ करती रहती हूँ, क्योंकि बाकी वीकेंड में मुझे टाइम नहीं मिलता है मंडे टू फ्राइडे, ताकि ऑर्गेनाइज मिल जाए, ऑफिस जाने का टाइम कुछ मसला ना हो। नहीं तो मैं पूरा घर इधर और उधर कर देती हूँ तो मुझे ही प्रॉब्लम होता है। आने के बाद फिर से सारी चीज़ सेट करो। ड्रायर में मैं कुछ नहीं, जस्ट घर पर पहनने के लिए जो ब्रा मैं लेके आई थी वो सारी चीज़ यहाँ पर रख रही हूँ। ये ब्रा क्रॉप टॉप जैसे ही होता है, कॉटन का ही है, एंड इसमें क्या होता है आपका बहुत ही कंफर्टेबल है, घर पे आप आराम से पहनते हो, क्योंकि विदाउट ब्रा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो मैं ये घर पे जब रहती हूँ तो ये इस टाइप का मैं ब्रा पहनती हूँ। और नॉर्मली जो पहनते हैं हम लोग बाहर जाने के टाइम, वो सिर्फ बाहर में जब जाती हूँ तभी मैं वेयर करती हूँ। और ये वाला जो सेक्शन देख रहे हो इसमें मैं सिर्फ अपना जिम वेयर ज़्यादातर रखती हूँ, तो इसलिए मैं हफ्ते में एक दिन क्लीन ही करती हूँ। सिर्फ ए पार्ट को मैं क्लीन करती हूँ जहाँ पर मेरा जिम वेयर या फिर डेली यूज़ के लिए थोड़ा बहुत जो सामान रहता है, क्योंकि जिम वेयर क्या है ना मैं खुद भी वॉश कर लेती हूँ जब टाइम मिलता है। बाकी टाइम जब नहीं मिलता है तो क्या होता है, जो अंकल है, जो मतलब लॉन्ड्री का अंकल है, मंथली मैं उसको मैंने मैं पेमेंट दे देती हूँ। तो मंथली का मतलब क्या क्या मैं देती हूँ नहीं देती हूँ तो वो सारी चीज़ मैं गिन के भी रखती हूँ। और जब वो लेके आते हैं कपड़े वो भी मैं गिन के रख लेती हूँ, क्योंकि होता है ना इधर उधर थोड़ा सा, तो मैं गिन रही थी मुझे कितना ट्राउज़र उन्होंने दिया है। उसमें से सारे ट्राउज़र तो दे दिया है ट्राउज़र, बट दो नहीं दिया है तो मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। और कितना अच्छा नीट एंड क्लीन लग रहा है। और नीचे मैंने सारे टॉवल को रख लिया, ये सारे टॉवल मैं जो गमछा है वो नहीं, टॉवल को मैं जिम में लेके जाती हूँ। ये मेरा जिम टॉवल है, थोड़ा टॉप है, नीचे जाती हूँ तब मैं पहन के जाती हूँ। अब कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे मेरा ब्रा जितना है और फेस टॉवल है ये ड्रायर में रखा है। और एक छोटा छोटा जो बॉक्स है, छोटा नहीं बड़ा बड़ा ही बॉक्स है, इसमें जो एक्स्ट्रा मेरा जो मेकअप का कुछ भी सामान है वो सारी चीज़ को मैं यहाँ पे स्टोर कर लूँगी, ताकि बाकी टाइम पे मुझे इधर उधर सामान मेरा बिखरा हुआ ना मिले, एक जगह पे मुझे मिल जाए और मुझे जब ज़रूरत हो मैं उसको निकाल के यूज़ कर पाऊँ। Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.
Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad. 6.5 hours later. अब भाई मेरा इस कबाड़ा का, यस अभी तो एक कबाड़ा ही दिख रहा है, इसको क्लीन करने का, पर इसका जो रायता फैला के मैं रखी हूँ, मुझे देख के ना चक्कर आ रहा है. ऑलरेडी मैं दूसरा मतलब बेडरूम में मैं इतना काम कर चुकी, मैं थक गई हूँ, बट करना तो पड़ेगा, तो चलो शुरू करें. अतः जितना स्पीड से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, कस लाइफ में भी ऐसा ही होता कि हर एक चीज़ एकदम हाथ रखते एकदम मक्खन के जैसे फटफट फटफट हो जाता, बट ऐसा नहीं है गाइस. पूरा दिन लग गया था एंड मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी और बैठने का जगह भी नहीं मिल रहा था, डायसन के ऊपर मैं बैठ गई, बताओ. पर चलो हल्की फुल्की हूँ तो एडजस्ट कर लिया डायसन ने भी. और मैं जितना टाइम काम किया, टॉम बाबू इधर उधर कर रहा था, पर पूरा रूम मैंने क्लीन ऑलमोस्ट कर लिया है. और ये सारे दवा टायसन और टॉम का है जो मैं ऑर्गेनाइज करूँगी. पर मेरा बाबू को देखो बास्केट के अंदर, इसी में ही मैं रखूँगी. मैं अपना मेकअप के साथ साथ जैसे क्लीन करती हूँ हर हफ्ते में 10 दिन में, वैसे ही टॉम और टायसन का हर एक चीज़ में क्लीन करके रखती हूँ, ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, ताकि मुझे पता चले कौन सा मेडिसिन अभी चल रहा है, कौन सा ख़त्म हुआ है, कौन सा फिर से रीऑर्डर देना है, हर एक चीज़. और टॉम बाबू को तो मस्ती चढ़ी हुई है, निकालना भी नहीं है उसको, हाथ से मैं बोल रही हूँ कि निकलो, वो मेरे साथ उल्टा खेल रहा है कि मेरे को एंटरटेन करो. इस लड़का का मैं क्या ही बताऊँ. फाइनली मैंने सब चीज़ सेट कर दिया है, दोनों का सारा मेडिसिन मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया है. बहुत सारा मेडिसिन इमरजेंसी में भी मैं यूज़ करती हूँ और मेरे लिए आसानी होती है एंड अच्छा भी लगता है. अब लोगों को दिखाऊंगी मेरा रूम मेकओवर जो मैंने किया है. तो ये रहा मेरा रूम गाइस. पूरा दिन लग गया इसके पीछे, तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना कि आप लोगों को कैसा लगा. कर्टन मैंने चेंज किया है, कर्टन कैसा लगा, थोड़ा सा मैंने अच्छे से रूम को डेकोर करने की कोशिश किया है. ये पहले मैं इस रूम में स्टडी करती थी, अभी मैं थोड़ा स्टूडियो टाइप बना दिया है जब से मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया है. और ये रहा मेरा टॉम बाबू, ये मेरा टॉम बाबू का ट्री है यहाँ पे. हमेशा मेरा टॉम बाबू इधर उधर करता रहता है और मैं जब इस रूम में काम करती हूँ तो टॉम को इधर आना ही होता है. और आप लोगों को कैसा लगा थोड़ा ज़रूर बताओ, मोटिवेट करो मुझे भी. काम करने के बाद खुद को पैम्परिंग करना तो बनता है, तो आ गए चलो
पैम्परिंग का मतलब होता है शॉपिंग। हम लड़कियों को और क्या चाहिए, यूज कलेक्शन मुझे ब्रा और पैंटी का दिख रहा है, बाद में लेंगे, बहुत सारा ब्रा और पैंटी मेरे पास है न्यू। एंड ऊपर का सेक्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, थोड़ा बहुत न्यू कलेक्शन है, थोड़ा बहुत ओल्ड है, सब कुछ मिक्स मैच करके रखा हुआ है। मुझे क्या क्या चाहिए देखते हैं। You know I'm one of a kind, or so I've been told. No matter where we go, I know we're gonna make it. No matter where we go, I know we're not alone. We face it all, cause now we know that we can take it. हे गाइस, शॉपिंग मेरा हो चुका है। आज का दिन बहुत ही हेक्टिक था, बहुत ही प्रोडक्टिव दिन था, बहुत ही अच्छा दिन था। ब्लॉग कैसा रहा ज़रूर बताना। फिर आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। बहुत सारा प्यार।